बिल्कुल, तो चलिए एक रेंज में फिलहाल एक्शन विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार में एसजेएक्स निफ्टी की तरफ से शुरुआत जो है वो बढ़त के साथ ही हुई है। चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। ध्यान रखिएगा एफआईएस दोनों के खरीदारी के आंकड़े इस बार आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस ने करीब 227 करोड़ की खरीदारी की है, वायदा बाजार में एफआईएस ने 523 करोड़ की खरीदारी की है, वहीं कैश मार्केट में डीआईएस ने 381 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली एफआईएस डीआईएस खरीदारी कर रहे हैं। चलिए इन तमाम संकेतों को समझते हुए भारतीय बाजार के लिए आपकी पहली रणनीति आज के लिए क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। वीकली एक्सपायरी का दिन, विदेशी बाजार के संकेत और एफआईएसडीआईएस की खरीदारी, इसे कैसे समझें और भारतीय बाजार के लिए फिर आज पहली रणनीति क्या होगी? देखिए संकेत थोड़े से ग्लोबल मार्केट से चूंकि सुस्ती के है, लेकिन भारतीय बाजारों में पिछले दो सेशन बेटर रहे हैं, तो निचले स्तरों से आपको खरीदारी और थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन बहुत तेजी से भागकर 15,000 को पार कर लेंगे ऐसे संकेत। तो मिला जुला सा कारोबार आपको देखने को मिलेगा दोनों ही तरफ, और उस लिहाज से आपको स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। खुलने के बाद जिस तरफ पहले बढ़े उसके विपरीत ट्रेड लेना चाहिए, काउंटर ट्रेड इंडेक्स पर होगा। स्टॉक्स बिल्कुल मजबूती में है और वहां पर अच्छा खासा तेजी का ट्रेड लेने की अब भी गुंजाइश है, तो कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूती के साथ आज भी आगे बढ़ेंगे। जहां तक निफ्टी का सवाल है, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और खरीदारी करने के लिए 14,650 14,700 को मजबूत सपोर्ट जोन के तौर पर मान के चलिए, ये आसानी से नहीं टूटेगा। ऊपरी सीमा पर 14,875 14,950 वो रेंज है, यहाँ पर हल्की फुल्की रुकावट निफ्टी के लिए है, और अगर एक्सपायरी के दिन शॉर्ट टर्म के चलते इसे पार किया तो 15,050 फाइनल टारगेट एक बार निफ्टी का बनता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल 33,000 के अहम लेवल के नजदीक क्लोजिंग होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी की सपोर्ट रेंज थोड़ी ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है, 32,500 32,675 ये बैंक निफ्टी के लिए पहले मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा दिन के लिए, और 33,300 से लेकर 33,500 की रेंज ऊपर की तरफ आप बैंक निफ्टी के लिए मान सकेंगे।